दोस्तों भिंडी की खेती में जो सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान करता है वो होता है भिंडी में लगने वाला फलछेदक इल्लियाँ। और इसके ऊपर किसान बहुत सारे दवा स्प्रे करते रहते हैं लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे किसान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि भिंडी की खेती में फलछेदक इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे मार्केट में जो अच्छा दवा मिलता है और इसको आप लोगों को स्प्रे करके लंबे समय तक कंट्रोल करके रख सकते हैं, और इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंडी की खेती में जो फलछेदक इल्लियाँ लगते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों का जो फल लगता है भिंडी में उस टाइम पर लगता है और शुरुआती अवस्था में आप लोगों को फल के छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर जाके ये फल को पूरा नष्ट कर देता है, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल जाता है। इससे क्या होता है कि बाज़ार में ये जो फल होता है वो भी बेचता नहीं है, बहुत कम रेट में बेचता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों इसको आप लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भिंडी की खेती में आप लोगों को एकदम पूरा तहच नहच कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को भिंडी की खेती में इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी ऐसा दवा है जिसको हम लोग एक बार स्प्रे करके इससे बहुत दिन तक निहात पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो दवा आती है उसके लिए आप लोगों को इविसेंड मार्केट में नया प्रोडक्ट आ चुका है जो कि सिंजेंटा कंपनी का। तो ये इतना बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप लोग भिंडी की खेती में इसको स्प्रे करते हैं। इसमें जो आप लोगों को टेक्निकल देखने के लिए मिलता है वो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% और लुफानियूरोन 40%, जो कि बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। और ऐसा कॉम्बिनेशन का दवा अभी तक मार्केट में नहीं आया है, बस सिंजेंटा कंपनी के पास ही अवेलेबल है। और इसको आप लोगों को 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को भिंडी का फलछेदक के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके अलावा ये दवा अगर आप लोगों को मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप लोग बाज़ार में FMC कंपनी का कोराजिन भी ले सकते हैं, और इसमें भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कोराजिन को आप लोगों को ज़्यादा डालना नहीं चाहिएगा, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप लोग ज़्यादा डालते हैं तो इसमें आप लोगों को नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए कोराजिन को आप लोग ज़्यादा मत यूज कीजिएगा। तो इसको आप लोगों को यूज करने के लिए 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को क्लोरेंटर नेलिप्रोल टेक्निकल देखने के लिए मिल जाएगा। और ये भी एक काफ़ी अच्छा दवा आती है। और उसके अलावा इसको अगर आप लोग बाज़ार में नहीं मिलता है तो बाज़ार में और एक दवा आती है जैसे कि बायर कंपनी का फेम नाम पे, उसमें भी आप लोगों को फ्लुबेंडामाइड 39.35% टेक्निकल देखने को मिलता है, जिसको आप लोगों को 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करने से ये भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट दे देता है। और उसके अलावा ये भी दवा अगर आप लोगों को मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप लोग सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो नाम पे बाज़ार में मिलता है, ये पहले से ही है सिंजेंटा कंपनी के पास, इसमें भी आप लोगों को क्लोरेंटर नीलिप्रोल 10% और लेमडा साइलोथ्रिन 5% का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। और इसको भी आप लोग 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करने से भिंडी में फलछेदक इल्लियों को काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है और लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट दे देता है। तो ये जो 4 दवा आप लोगों को बताया इसमें से आप लोग किसी को एक को स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों भिंडी में लगने वाला फलछेदक इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा दवा, जो कि इसको स्प्रे करके आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।